परमेश्वर एक मार्ग बनाता है। दसवीं विपत्ति में फिरौन के पुत्र के मरने के बाद उसने इसराइलियों को जाने दिया। वो लाल समंदर के पास थे जब फिरौन ने अपना मन बदला और उनका पीछा किया। जब इसराइलियों ने फिरौन के रथों को देखा वो बहुत भयभीत हो गए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को लाल समंदर की तरफ उसकी लाठी को उठाने के लिए कहा। परमेश्वर ने एक जोरदार हवा भेजी और समंदर को दो भाग कर दिया। एक सूखा मार्ग प्रकट हो गया और इसराइली लाल समंदर के बीच में से निकल गए। यहाँ पर उनके दोनों तरफ एक पानी की दीवार थी। वो सुरक्षित दूसरी तरफ पहुँच गए। फिरौन और उसकी सेना समंदर में उनके पीछे गई। परमेश्वर ने मूसा को उसका हाथ बढ़ाने के लिए कहा। तब समंदर फिर से वापस एक हो गया और फिरौन और उसकी सेना डूब गए। फिरौन और उसकी सेना ने इसराइलियों का पीछा किया और उन्हें पुनः लाल समंदर में पकड़ लिया। सही या गलत? परमेश्वर ने उसके लोगों की एक उजाड़ में अगुवाई की। उसने उन्हें भोजन और पानी दिया। उन्होंने सिनै पर्वत के पास डेरा लगाए, जहां पर परमेश्वर ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को मिलने के लिए कहा। आग और धुएं से घिरा हुआ मूसा ऊपर चढ़ गया और परमेश्वर उससे मिलने के लिए नीचे आया। मूसा को परमेश्वर ने उससे कहां मिलने के लिए कहा? तब परमेश्वर ने मूसा को दो पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं दी। अन्य देवताओं की आराधना मत करना, मूर्तियां मत बनाना, आदर के साथ मेरा नाम लेना, विश्राम दिन को एक विशेष दिन करके मनाना, अपने माता पिता का आदर करना, कत्ल मत करना, अपने पति या पत्नी से वफादार रहना, चोरी मत करना, लोगों से या जो उनके पास है उससे ईर्ष्या मत करना। अब लोग जानते थे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। क्या 10 आज्ञाओं ने इसराइलियों को बताया कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है? हाँ या नहीं?